अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? क्या अभी करेक्शन की शुरुआत हो गई है और कहां तक जाएगी ये करेक्शन? देखिए, पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, अगर ये नीचे की हरी रेखा टूट जाती है, ये देखिए निफ्टी पर, ये अगर नीचे की हरी रेखा टूट जाती है, 21,200 तक की चाल आ जानी चाहिए, ऐसी बात अपनी तकरीबन यहां हुई थी। कल जो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल सा बन रहा था कि शायद यहां से रिवर्सल होके एक बार वापस 22,700 दिखाए और उसके बाद 21,200 का करेक्शन आए, गणना वहां तक थी। आज ये सवेरे अगर लेवल टूट गया है तो पुराने विजडम के हिसाब से तो यहाँ और शॉर्ट हो जाना चाहिए, पर इंट्राडे की चार्ट्स आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ असमंजस बनाया हुआ है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, आरएसआई डाइवर्जेंट है। तो सिर्फ लकीरों के फकीर अगर हम बनेंगे, अनयूजुअल परिस्थिति में यूजुअल सोच को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो मैं हड़बड़ा कर यहाँ और कोई शॉर्ट्स को एक्सपैंड करूँ नहीं, ऊपर से हम शॉर्ट थे, यहाँ पे हमारी बुक बैलेंस्ड हो गई, कुछ आइटम्स लॉन्ग कुछ शॉर्ट, अभी हम उसी को मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से जो पोजीशन है उनकी रिस्क मैनेज करेंगे। इस ब्रेकआउट को, हो सकता है ये जो नीचे का ब्रेकडाउन है, ये हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट बन जाए और ये पैटर्न बदल जाए। तो एकदम से अनुज फेड के बीच में जैसी यूएस की चार्ट्स में विचित्रता बनी हुई है, उनको देखते हुए सिर्फ निफ्टी के लेवल्स देख करके बेच देने का मन नहीं हो।